पाटीदार आंदोलन की बहुचर्चित नेता रेशमा पटेल जल्द ही बीजेपी का दामन छोड़ देंगी। ये बताया जा रहा है कि वह एनसीपी ज्वाइन कर पोरबंदर से चुनाव लड़ सकती हैं। इस बात की बहुत चर्चा है कि रेशमा पटेल का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है। रेशमा पटेल ने पाटीदार आंदोलन खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और उसके बाद से ही वे गुजरात में बेहद लोकप्रिय हो गई थी। इसी दौरान गुजरात विधानसभा के चुनाव होना थे और रेशमा पटेल ने अचानक पाटीदार आंदोलन से पीछा छुड़ाकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। हालांकि ऐसा करने के पीछे रेशमा पटेल का ये तर्क था कि वे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पाटीदारों की समस्याओं को हल करा लेंगी, लेकिन अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है और उनका भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है। उनका ये भी मानना है कि जो मांगे उन्होंने भाजपा सरकार के सामने रखी थी, पाटीदार के लिए उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और यही वजह है कि वे एनसीपी का हाथ थामेंगी और इसी पार्टी के बैनर तले पोरबंदर से भी चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी रेशमा पटेल का जाना एक धक्का ही साबित होगा। पोरबंदर सीट को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच समझौता हो जाएगा, जिसमें ये माना जा रहा है कि एनसीपी की प्रत्याशी बनने पर रेशमा पटेल यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.